हाय, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न थ्री एड्रेस कोड। तो थ्री एड्रेस कोड हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसे सोर्स लैंग्वेज है, उसका हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं, उसके बाद उससे हम एक टारगेट कोड जनरेट करते हैं, ठीक है, और इंटरमीडिएट लैंग्वेज उससे फिर टारगेट लैंग्वेज जनरेट करते हैं। तो ये इंटरमीडिएट कोड जो है हम थ्री एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो थ्री एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? सो देयर इज एट मोस्ट वन ऑपरेटर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन है तो इसके राइट साइड मैक्सिमम वन ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एट मोस्ट थ्री एड्रेसेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी स्टेटमेंट। जैसे ये एक स्टेटमेंट है तो इसमें आप एड्रेस स्टोर करोगे जेड के लिए, वाई के लिए और एक्स के लिए, ठीक है। एंड ओपी इज ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के लिए आप एड्रेस स्टोर नहीं करते, वो एज अप्लाई होता है। और जैसे इस इंस्ट्रक्शन में जेड के लिए आप यूज करोगे और एक्स के लिए एड्रेसेस यूज करोगे, ठीक है। तो आपने टू एड्रेसेस यूज किए जो आपके इस स्टेटमेंट को फुलफिल करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई जेड, इसको थ्री एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आपका प्रेसिडेंस किसका हाई है? वाई मल्टीप्लाई जेड का। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं टी इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाई जेड, इसको असाइन कर देते हैं, दिस इज टी वन, ठीक है। तो अब ये थ्री एड्रेस में हो गया, जबकि इसको अगर हम डायरेक्ट यूज करते तो हमें वन टू थ्री राइट हैंड साइड पे ही मुझे थ्री यूज करना होता, और इसको जिसको असाइन करते तो वो एक फोर हो जाता। तो थ्री एड्रेस कोड में आप मैक्सिमम थ्री एड्रेसेज ही यूज कर सकते हैं। तो एक इसको आप ब्रेक करोगे, पहले आपने इसको आपने टी वन ले लिया, ठीक है। अब इस t1 को x में ऐड करना है, तो इसके लिए आपने लिखा x प्लस t1 और इसको असाइन किया कि न्यू वेरिएबल t2। तो ये आपका इस इंस्ट्रक्शन के लिए थ्री एड्रेस कोड जनरेट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इन केस आपसे मैंने कहा कि a इक्वल टू b प्लस c प्लस d, ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए थ्री एड्रेस कोड जनरेट करो। तो प्लस जो है आप इसे देखेंगे, तो जैसे पहले हमने इसको x सॉल्व किया, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे t1, ठीक है। प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो इसको हमने पहले b प्लस सी सॉल्व किया, तो t1 इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, b प्लस सी। फिर ये दोनों ऐड होगा किसमें, d में, तो हम लिख सकते हैं t1 प्लस d, ये t1 हो गया था और प्लस d, और इसको असाइन कर दिया एक न्यू वेरिएबल t2 में, और फिर ए को जो है हमने असाइन कर दिया टी टू। तो ये आपका थ्री एड्रेस कोड हो गया इस इंस्ट्रक्शन में। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो उसको आप थ्री एड्रेस कोड में जनरेट कर सकते हैं। तो थ्री एड्रेस कोड इज बिल्ड फ्रॉम टू कॉन्सेप्ट, एक तो एड्रेसेस, सेकेंड इंस्ट्रक्शन। तो एड्रेसेस किसके किसके जनरेट करेंगे, एक तो नेम के लिए, जैसे मैंने वाई जेड इन सब के लिए जनरेट किया, और कॉन्स्टेंट के लिए, अगर जैसे 10 कोई कांस्टेंट है तो उसके लिए भी हम एक एड्रेस जनरेट करेंगे। और कंपाइलर जनरेटेड टेम्पररी वेरिएबल, जैसे यहां हमने t1 यूज किया, तो इन सब के लिए हम एड्रेसेस जनरेट करेंगे। और इंस्ट्रक्शन क्या यूज होगा, तो इंस्ट्रक्शन जिसके लिए हम थ्री एड्रेस कोड जनरेट करेंगे, जैसे असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन, तो यहां पर हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एक्स इजक्वल टू वाई प्लस जेड, इसके लिए आप थ्री एड्रेस जो है कोड जनरेट कर सकते हैं ऐसे इंस्ट्रक्शन के लिए। सेकेंड इंस्ट्रक्शन एक्स इक्वल टू माइनस जेड, इसके लिए भी आप थ्री एड्रेस कोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी इंस्ट्रक्शन में जैसे एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू एक्स में कॉपी हो गई, तो इसके लिए भी आप थ्री एड्रेस कोड जनरेट कर सकते हैं। अनकंडीशनल जंप, अनकंडीशनल जंप जैसे गो टू आप स्टेटमेंट यूज करते हैं, आप सी में गो टू और किसी लेवल एल पे जंप करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने लिखा गो टू एल, तो आप जंप कर जाते हैं किसी लेवल एल पे, ठीक है। बीच के सारे इंस्ट्रक्शन आप विदाउट कंडीशन भी आप जंप कर जाते हैं। कंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप में कैसे होता है कि इन केस आपने लिखा इफ एक्स कोई स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है देन गो टू लेवल L, तो ये कंडीशनल जंप है।
जब इफ की स्टेटमेंट आप यूज करते हैं, इफ एल्स की यूज करते हैं, तो वो कंडीशनल जब में आती है, तो उसके लिए आप थ्री एड्रेस कोड जनरेट कर सकते हैं। प्रोसीजर कॉल्स, प्रोसीजर कॉल्स मतलब अगर कोई फंक्शन एफ है और इसमें आपने कोई पैरामीटर एक्स पास कर दिया, ठीक है, और वो कुछ स्टेटमेंट किया और लास्ट में रिटर्न कर दिया, रिटर्न इनकेस वाई, तो इसके लिए आप जो है थ्री एड्रेस कोड कैसे जनरेट करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पैरामीटर के लिए परम एक्स एंड कॉल एफ और रिटर्न वाई। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर कॉल के लिए भी थ्री एड्रेस कोड जनरेट कर सकते हैं। इंडेक्स कॉपी इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस एंड पॉइंटर असाइनमेंट्स के लिए भी आप थ्री एड्रेस कोड जनरेट कर सकते हैं। तो एड्रेसेस एंड पॉइंटर असाइनमेंट, जैसे आपका एक्स इक्वल टू पॉइंटर वाई, इसके लिए भी आप थ्री एड्रेस कोड जनरेट कर सकते हैं। तो थ्री एड्रेस कोड को बिल्ड करने के लिए आपको एड्रेसेस चाहिए और इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो ये एड्रेसेस और इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में होंगे तो आपका थ्री एड्रेस कोड जनरेट होगा, और ये थ्री एड्रेस कोड आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में यूज होता है, और इसी से आप टारगेट कोड जनरेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।